देखिए, अगर आप भी मनोरंजन के लिए YouTube का सहारा लेते हैं या फिर YouTube पे सक्रिय हैं तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। बहुत ही प्रसिद्ध यूट्यूबर हैं और ये बात और है कि YouTube के सबसे भुलक्कड़ इंसान हैं। जी हाँ, इनका नाम है तुषार खरे। आज करते हैं इनसे खास मुलाकात, जानते हैं कि आखिरकार ये अपना कॉन्टेंट कैसे बनाते हैं। हेलो, मैं हूँ तुषार खेर, SBS ओरिजिनल्स के साथ कुछ बातचीत करेंगे। मतलब इसमें बताना क्या एग्जैक्टली रुको, मैं ब्लैंक हो गया, याद करने दो मुझको, मैं थोड़ा सा बुलेट कर दो मिनट को। SBS ओरिजिनल प्रेजेंस मिस्टर भूला, और ये भूला जब भूलने पे आता है तो अच्छे अच्छों के चेहरे पर हंसी ले आता है। जी हाँ, और ये मिस्टर भूला कोई और नहीं बल्कि बी यूनिक की टीम की फेमस बकरा किंग यानी की तुषार खैर है, जो मिस्टर भूला के साथ साथ बहुत ज्यादा शाने भी है। एक्चुअली कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था, लेकिन हाँ मैं एक्चुअली बेसिकली डोंबिवली से हूँ, क्योंकि पब्लिक बोली है भाई डोंबिवली मुंबई में नहीं आता, लेकिन हाँ हम लोगों का जो रवैया होता है वो कुछ मुंबईया टाइप का ही होता है, तो इसके लिए वो बोलते हैं ना पब्लिक अपन अपना शाना, ए शाना है तू शाना बन रहा है क्या हुआ? तो ऐसे कुछ एक दिन दिमाग में आ गया कि आला मोटा शाना कुछ तो रख देते, शाना हिंदी वाला आला मोटा मराठी वाला रख देते, वैसे ही बन गया आला मोटा शाना। मतलब मैं एक यूनिक का भी पार्ट हूँ, जो यूनिक चैनल है उसका भी पार्ट हूँ, तो हम लोग का ना पहले से सेटअप था, माइंड सेट था कि जो भी आजू बाजू में जो भी हो रहा है हम लोग ऑब्जर्व करते, जो भी पब्लिक कुछ करती है, मतलब एक छोटी सी चीज़ में भी हम लोग ने कॉमिक ढूंढ लेते हैं। इन्हें पता है कि इनके ऑडियंस की नब्स कहाँ है और अपने ऑडियंस को कैसे एंटरटेन करना है। तो फिर क्या, जब SBS ओरिजिनल्स की मुलाकात हुई तुषार खैर से तो शुरू हो गया इनके कॉमेडी एक्सप्रेशंस का खेल। तुषार एक सक्सेसफुल यूट्यूबर है जो यूट्यूबर बी यूनिक के साथ मिलकर काफी कॉमेडी वीडियोस बनाया करते थे, लेकिन आला मोटा शाना तुषार का अपना एक यूट्यूब चैनल है जहां पर वो काफी कुछ एक्सपेरिमेंट करने का सोच रहे हैं। मैंने चालू किया था आला मोटा शाना, तो उसमें मैं खुद के लिखे हुए सॉन्ग्स पहले डाल रहा था, अभी भी चालू है खुद के लिखे हुए लिरिक्स। उसके बाद मैं और एक कंसेप्ट निकाला था मैंने कि निकाला है कि मराठी मूवीज़ जो रहते हैं, मतलब बेसिकली मैं मराठी हूँ, मेरा ऑडियंस जो भी है, मतलब हिंदी और मराठी दोनों भी है, लेकिन मराठी ऑडियंस जो मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, मराठी मूवी रहती है तो मराठी मूवी का जो स्क्रिप्ट रहता है पूरी स्टोरी, उस स्टोरी को मैं एक सॉन्ग में कन्वर्ट कर देता हूँ। और जैसे कि मतलब अगर आप गाना सुनोगे तो एक ही गाने में आपको पूरा मूवी समझ में आ जाएगा। उसके बाद में उनके जो कास्ट रहते हैं उनके साथ थोड़ा डिस्कशन कि क्या कैसे हुआ, आपको ये स्टोरी कहाँ से मिली वगैरह वगैरह। कॉमेडी, एक्टिंग, सॉन्ग राइटर, सिंगर, ये सारी खूबियों के साथ साथ अब तुषार डांस में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं। जी हाँ, तुषार जल्द ही अपने एक नए एल्बम के साथ अपने फैंस को नजर आएंगे और उस एल्बम का नजारा कैसा होगा उसके प्रैक्टिस सेशन की एक झलक यहाँ देखते जाइए। तो
वो मैंने कभी क्या मतलब बचपन में किया था मेरे बहन के साथ छैया छैया, उसमें शाहरुख खान मुझको मेरी माँ ने बनाया था, वो भी एक मर्सिडीज़ बेंज देने वाली थी छोटी रिमोट कंट्रोल की कार देके, तो रिश्वत देके मुझको बनाया था शाहरुख खान। उसके बाद कभी डांस किया नहीं था और तब आज मैंने डांस किया मेरी को पार्टनर काजल के साथ। तो मतलब नहीं आ रहा था लेकिन somehow I managed, जैसे कि मैंने बोला कि मैं भूलता रहता हूँ तो अभी भी भूल गया हूँ, ठीक है। तो अगर रानी करके उसका टाइटल है, उसका रिहर्सल चालू है, उसका पोस्ट प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन सब कुछ चालू है अभी। पोस्ट प्रोडक्शन कैसे चालू होगा, नहीं चालू है तभी भी चालू है, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आएगा, जल्दी ही आएगा। तो देखा आप सबने, एक ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर कितनी मेहनत करता है अपने दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए, एक छोटे से प्लेटफॉर्म के जरिए हर वो चीज देने के लिए जो दर्शक देखना चाहता है, भले ही वो कॉमेडी हो, डांस हो, म्यूजिक हो या फिर कुछ और। मुंबई से निशी मिश्रा की रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।